subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरतेहाल के हवाले से बात होती है। इसी तनाज़ुर में आज हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी नेमतुल्लाह बुखारी साहब को, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और अपनी जो है कि शेर हासिल गुफ्तगू से हमें आशना करेंगे आज वो, और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर नज़र भी डालेंगे। उनसे आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब, जैसे कि आपके इल्म में है, मौजूदा दौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो बयान दिए हैं वो आपके सामने हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुल्क की अहम राज अफशा कर रहे हैं, क्या ये मुल्क की मफाद में है? आया उन पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है और वो पाकिस्तान आएंगे इन बयान देने के बाद? देखिए, बात यह है कि वो एक मंजे हुए सियासतदान हो चुके हैं और उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो अपना बयानिया अख्तियार किया है वो बड़ा ज़ोरदार है और यकीनी तौर पर उनकी पार्टी की कोई भी पोजीशन हो, लेकिन वो अपने इस बयानिए की वजह से अवाम में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ हल्के उन्हें ये कह रहे हैं, बल्कि सूबाई क़यादत जो PTI की और जो मरकज़ी क़यादत भी है उन्हें आड़े हाथों ले रही है, हस्ब तनकीद का निशाना बना रही है। वो कह रहे हैं कि ये बानी मुतहदा Part 2 बनते जा रहे हैं, मुल्क मामलात पर जो है कि इस तरह के बयान से गुरेज किया जाना चाहिए। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और इनकी ज़बान से ये बयान जेब नहीं देते, तो ये इस पर क्या कहते हैं? बात यह है कि ये लोग इमेच्योर सियासतदान हैं PTI वाले। हालांकि इन्हें चाहिए था कि ये पहले अवाम से रबता रखते, अवाम को रिलीफ देते, अपने इख्तदार को मुस्तहकम करते और उसके बाद जो ना ये इस किस्म के इकदाम करते। इनको तो सबक लेना चाहिए था हसीना वाजिद से कि उसने किस तरीके से बांग्लादेश में अपने पूरे ख़ानदान के कट जाने के बाद जो ना तने तनहा उसने पॉलिटिकल उसको एटमॉस्फेयर को कबूल किया, उसके बाद अपने ही दुश्मनों को अपने ही ख़ानदान के कातलों के साथ मिलकर हुकूमत भी की और फिर एक वक्त आया कि उसने अवाम के अंदर जो है ना वो पज़ीराई हासिल कर ली, उसको एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई। उसके बाद उसने उन्हीं दुश्मनों को साइड पे लगा दिया, उनमें से बेशतर को फांसी भी चढ़ा दिया। लेकिन अवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल देना ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान साहब का रोज़े अव्वल से ये बयानियाँ हैं, मैं किसी को NRO नहीं दूँगा, वो हर महाज उन्होंने खोले हुए हैं। इस सूरत हाल में मतलब वो किस तरह? देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब हमेशा से जज्बाती रहे हैं और ये इनके जीन्स में शामिल है, और सियासत जो है वो फहम व फरासत का नाम होता है, उसमें जज्बातियात और इंतकाम और इन मामलात को नहीं देखा जाता है या किसी एक जगह पर स्टैंड नहीं किया जाता। बहुत औकात जो है ना आदमी को अपने सियासी मकासद के उसूल के लिए, अहदाफ के उसूल के लिए बेहतर माहौल पैदा करना पड़ता है और उस माहौल में अवाम की हमायत जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कि अवाम ने एक तवक्को रखी हुई है कि आप आएंगे तो आप उनको रिलीफ देंगे, आप उनके माशी मामलात को हल करेंगे, उनके जो समाजी मामलात हैं, जो अदम तवाजुन है समाज में उसको ख़त्म करेंगे और लोगों को जीने का हक़ देंगे। अभी आप उन मामलात से निपटे नहीं हैं, अपने आते ही जो है ना अफरा तफरी मचा दी, इसको मारना, इसके साथ ये करना, ये तरीका जो है मैं समझता हूँ ये सियासतदानों का तरीका नहीं है। नहीं, वही तो ये जवाब पैदा कर रहे हैं कि हमें जो हुकूमत मिली है इस बुनियाद पर मिली है कि हम जो है कि मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब करें। भाई, इससे पहले यही पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, इससे पहले ये खुद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ जो है वो भी यही कहते रहे कि हम अगलों के पेट फाड़ेंगे और उनसे यूं रकम निकालेंगे, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने ये नारे ज़रूर लगाए लेकिन उन्होंने अपना
एक विजन रखा कि अवाम के साथ उनका रابطہ रहना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, वरना तो इससे ज़्यादा सूरत हाल जो है पीपल्स पार्टी के साथ थी। हमें इख्तलाफ हो सकता है सियासी तौर पर, पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, नवाज शरीफ से भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, लेकिन हकायक जो है वो ये कि पॉलिटिक्स जो है ना, ये एक बाकायदा एक साइंस है। ये कोई छोटा मोटा दुकानदारी का मामला नहीं है। इसमें जिस तरह घर को चलाने के लिए बहुत सारे मामलात को अवामिल को देखना पड़ता है, इस तरह रियासत को चलाने के लिए रियासत के मफादात का तहफ़ भी किया जाता है, मकामी सतह पर भी और बैन अवी सतह पर भी। मकामी सतह पर आपको उस रियासत के अवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ देना है। अगर आप मुसलसल उन लोगों को रिलीफ देने के बजाय उनको मज़ीद जबर और इस्तेहसाल का शिकार करेंगे और इस्तेहसाली क़ुव्वतों को आप खुली इजाज़त देंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल जो है ना वो पैदा हो सकती है। और मैं तो समझता हूँ कि ये सियासत नहीं है, बल्कि इनकी सियासत के ये खुदकुश बम्बार हैं। लेकिन इमरान खान साहब साथ साथ ये नवीद भी सुना रहे हैं कि बुरा वक्त था, गुजर गया, लेकिन अब अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसा कोई अभी तक हमारे पास कोई इशारिया ऐसा नहीं है कि वो हमें इंडिकेटर बता सके कि बुरा वक्त चला गया। हम 70 बरस से यही देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है ख़जाना खाली था, फलां ये था, और हम आकर ये कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, फिर उससे दुगना होता है। मैं खुद जो है जब से मैंने होश संभाला है 70s में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ, 70s में इस मुल्क में मिनिमम वेज जो है वो 150 रुपये थी, और उसमें उस वक्त 100 रुपये तोला सोना हुआ करता था, 1.5 तोले सोने के मसावी एक आम अनस्किल्ड आदमी की तनख्वाह हुआ करती थी। आज सूरत हाल ये है कि सोना जो है 1,25,000 रुपये 10 ग्राम पे पहुंच चुका है, लेकिन तनख्वाह आप 15,000 और 17,000 आपने स्टैंडर्ड तनख्वाह रखी हुई है, जुल्म है ये। आप अगर वही पहले वालों की तरह ये हरकतें करेंगे तो लोग महसूस करेंगे कि वो याया खान जैसा शख्स जो था, जो कि आमिर था, जाबिर था, अयूब खान आमिर था, जाबिर था, लेकिन उसके दौर में इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। उस आज तो सूरत हाल ये होती है कि सुबह जो है ना डॉलर 110 रुपये का होता है, शाम को 150 रुपये का हो जाता है, अगले दिन 160 रुपये का हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? आप अपनी मईशत को संभालने के लिए, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करें। जब आप मुल्क में अफरा तफरी पैदा करेंगे, अनस्टेबिलिटी होगी, तो उससे ना तो आपकी इक्तसादियात तरक्की कर सकेंगी, ना आपके पीसफुल माहौल होगा, ना आप सियासत को सही तरीके से आप हैंडल कर सकेंगे। तो मौजूदा हुकूमत की माशी टीम को वो क्या इकदाम उठाने चाहिए कि जिससे आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा हो, तनख्वाहों से जो अभी सोने की आपने जो बात की उसके मसावी मुताबकत रखे, क्या इकदाम उठाने चाहिए, ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ मरतब करनी चाहिए? बात यह है कि ये तो अब आकर पता चला है कि इख्तदार में आने के बाद इनके पास तो ना तो कोई मुतबादल सियासी निज़ाम है, ना कोई मुतबादल माशी निज़ाम है। ये वही सिलसिला, वही भिखारियों वाला सिलसिला जैसे पुरानी हुकूमतें करती रही हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलां बैंक और फलां से किसी से ग्रांट ली जा रही है, किसी से कर्ज लिया जा रहा है, किसी से सॉफ्ट लोन लिया जा रहा है। हुकूमतें इस तरीके से नहीं चलती हैं। हुकूमतें चलाने के लिए वहाँ पर मकासद का तयन किया जाता है और उसके तहत मामलात ये किए जाते हैं कि कम से कम रिलीफ ज़रूर दिया जाए लोगों को। जब आप लोगों को रिलीफ ही नहीं देंगे, आज सूरत हाल ये है कि हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में थे तो बसों का किराया जो है मिनिमम किराया जो है वो 25 पैसे होता था, 10 पैसे होता था, 15 पैसे होता था, 45 पैसे होता था। आज सूरत हाल ये हो गई है कि आप 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, एक स्टाफ से लेकर आप अगर दूसरे स्टाफ पर जाते हैं तो 20 रुपये आपको देने हैं। ये क्या है? लोगों के आमदनी में तवाज़ुन नहीं है। आप उनके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ टैक्सेस लगा रहे हैं, उनकी जो है ना इक्तसादी हालत को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं,
ये तो सफेद पोश तबका इस मुल्क से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सफ़ेद पोश तबका ही था जो कि इस मुल्क के अंदर जो ना अपनी सियासी जद्दोजहद करता था और एहतजाज भी करता था। इन्होंने तो लोगों को बिल्कुल साइड पर रख दिया। आज मुल्क के अंदर लेबर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ताज़ीरी कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और उन कानून का इस्तेमाल ज़ाती मकासद के लिए लोग कर रहे हैं। लोग पैसे देकर पुलिस को खिलाकर अपने मुखालफीन को अंदर बंद करवा देते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इसके अलावा आप अगर चले जाएं दीगर इदारों में, चाहे वो FBR हो कहीं हो, वहाँ रिश्वत के मयार तो देखें आप। पहले लोग रिश्वत लेते हुए शर्माते थे, आज वो अपना हक बताते हैं कि हमारा हक है। इक्तदार में आने से पहले PTI का मंशूर था कि पुलिस रिफॉर्म्स अमल में लाई जाएंगी और इस तरह की खुराफात जो माशरे में जन्म ली हुई इसका कला कमा करेंगे, तो ये अपने मंशूर पर अमल पैरा नहीं है मौजूदा हुकूमत? अगर अपने मंशूर पर अमल पैरा होते तो इन्होंने जो KPK में एहतसाब का निज़ाम कायम किया था उसको आगे बढ़ाते। उन्होंने अपने मुतसिब को साइड पर कर दिया, उस इदारे को भी साइड पर कर दिया, उससे इनके मकासद पूरे नहीं हो पा रहे। इसी तरीके से पॉलिटिकली भी इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। हमें तो अफसोस होता है कि इनसे आवाम ने अच्छी तवक्कात व्यवस्था की थी और वो सोच रहे थे कि यार ये बाहर से पढ़े लिखे लोग आए हैं, इनमें जो ना अच्छे लोग हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बन जाना एक अलग बात है और मुल्क का वज़ीर ख़जाना यार वज़ीर मंसूबाबंदी बनना बहुत मुश्किल काम है, इस तरीके से नहीं होता। अच्छा, आपके इल्म में होगा बहसियत साफ़ी आपकी बैन अल-अक़वामी अमूर पर भी जान दीदा नज़रें हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के अब्दुल्ला ने दौरा पाकिस्तान किया है, पाकिस्तान का दौरा किया है। उस दौरे के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस दौरे से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में उस दौरे के असरात इतने जल्दी आपको नज़र नहीं आएंगे। दूरस नतीजे हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का एतमाद बहाल किया जाए और उन से गुफ्तगू शनीद एक ऐसे पैराए में की जाए जिसमें के अमन का उनसर जो ना शामिल हो। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस खित्ते के अंदर 78-79 के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, कभी जो ना ठंड वो गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए रूस ने कोशिश की, फिर उसके बाद अमेरिका ने दीगर मामलात किए, वहाँ पर जिहाद का एलिमेंट आया, उस जिहाद के एलिमेंट को भी पाकिस्तान के ज़रिए जो ना ठंडा करने की कोशिश की गई और प्रमोट करने की कोशिश की। उसके नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर कलाशनकोफ कल्चर आया, हमारे मुल्क के अंदर मंशियात में इजाफा हुआ, हेरोइन का सिलसिला हुआ, ये सारी चीज़ें और असला और टॉलरेंस ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। जब यह सूरत हाल हो फिर हमारे यहाँ इस अफ़गानिस्तान की वजह से तशद्दुद का उनसर जो है वो नुमाया हुआ है और दहशतगर्दी को फ़रोग मिला है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें बहुत सोच समझ कर छान पटक कर मामलात करने हैं। हमारे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह 32 से दांतों में ज़ुबान जो है वो महफूज रखना मुश्किल होता है, इसी तरीके से खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है, उसकी डेमोग्राफिक सिचुएशन है, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो भारत में जो है रिजीम वो ना तो मुसलमानों के फेवर में है ना वो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन वो अपने मकासद के उसूल के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमेशा पाकिस्तान का मौकफ रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि इस पूरे खत्ते में, जबकि सूरत हाल हमें दहशतगर्दी का सामना रहा है माजी में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये कोशिशें की हैं कि हमारे जो एशियाई ममालिक हैं इस पूरे खत्ते में अमन कायम हो, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं वो कोशिश रही है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का असर नफूस ज़्यादा है और हमारे चाहे वो नौकरशाही हो या दीगर मामलात हों, हर जगह पर इतना असर नफूस बढ़ गया है और ख़ास तौर से
बगदाद तक के बाद से और सीटों सेंटों के बाद से और उनके मामला से, जहाँ पर बडबीर में भी अमेरिका ने अड्डे कायम किए थे, दीगर मामला थे, तो वो इतना आसानी से आप उनके चुंगल से नहीं निकल सकते। या हमारे तो बदकिस्मती है कि हम अपने लोगों को मतून करते हैं। असल मसला ये है कि हमने यहाँ पर चूँकि सही सियासतदानों को पनपने ही नहीं दिया। अगर सही सियासतदान पनपते यहाँ पर और सियासत पनपती और पुरअम हालात में सियासत का फ़रोग होता और जहाँ करप्शन ना होती, करप्शन कोई माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, इसी माहौल के अंदर आमराना जाबिराना माहौल के अंदर ही करप्शन भी सिखाई गई है। और हम सब ये कहते हैं कि करप्शन बुरी चीज़ है, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन बशमूल हमारे हम करप्शन खुद ख़त्म नहीं करना चाहते। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हम नेमतुल्ला बुखारी साहब से बात कर रहे थे बैन अल-अक़वामी मामलात पर, वो सैर हासिल अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और मालूमात से आगाह कर रहे थे हमें। अब बैन अल-अक़वामी सूरतेहाल के बाद मुल्की मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, आपके इल्म में होगा सीनियर असम्बली में जो कायदे इख्तलाफ़ मौजूदा फिरदौस शमी नकवी साहब, उनसे पार्टी क़यादत की मुखालफत पर इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया, यकीनी तौर पर आपके इल्म में होगा। आप क्या समझते हैं कि ये आइंदा सीनियर असम्बली में कायदे इख्तलाफ़ कौन होगा? देखें, बात ये है कि ये बहरहाल उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं ये समझता हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी साहब एक बेहतर कायदे इख्तलाफ़ के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि अब उनके यहाँ पार्टी के अंदर भी कुछ लोग नज़रियाती लोग हैं, कुछ बैरूनी दबाव के तहत आए हुए लोग हैं, अब वो पार्टी के अंदर अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। और उसके लिए बड़ी सीधी सी बात है कि इस किस्म की साजिशें हर जगह होती रहती हैं, और फिर क्योंकि एक रवैया अब यह आ गया है कि वो बिल्कुल खुदकुश तरीके से अपने आप को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और मुल्क के सियासी निज़ाम को भी, इस वजह से ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, इनके बयान पर, इनकी मुखालफत पर, तवानाई के बहरान पर पार्टी क़यादत की मुखालफत की फिरदौस शमी नकवी साहब ने, आपके इल्म में होगा अभी उनकी वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी असद उमर ने गुज़िश्ता माह एक बयान में ये कहा था कि अगर कराची की आवाम को डिलीवर ना किया गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि हुकुमरान जमात को भी कराची से जूते पड़ेंगे। यकीन है ये भी इस पर ही क़यादत को मोतरज होना चाहिए था, जबकि नहीं हुई है और इस बयान पर मोतरज हो गई। क्या ये अकरबा परवरी नहीं? अकरबा परवरी की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मसला ये है कि आप के अंदर वो फहम व फरासत जो है उसका फ़कदान नज़र आ रहा है। आपको तो चाहिए था कि आप के इलेक्ट्रिक के मामला को, के इलेक्ट्रिक कोई बनिए की दुकान नहीं है, के इलेक्ट्रिक के कौमी इदारा था, कौमी इदारा आपने ठेके पर दिया चलाने को, अगर वो नहीं चला रहे हैं और आवाम को रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ से पैसा बटोर कर लेकर जा रहे हैं, तो ये तो आपकी नाअहली है। सिर्फ इस वजह से आप खामोश हैं कि आपके चंद लोग जो ना वहाँ पर लाखों रुपये तनख्वाहें ले रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो MQM के हों, चाहे नून लीग के हों या तहरीक इंसाफ के हों। हकायक तो ये हैं कि हर जगह किसी ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया हुआ है, और जब वो अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं तो आवाम को रिलीफ क्या देंगे? सीधी सीधी बात है, आप अगर उसको प्राइवेटाइज आपने किया उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको रेस्टोर भी कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, कोई हर्फ आखिर नहीं है कि आप जो ना उससे डमरा, उन्होंने जितनी उसकी एग्रीमेंट का ब्रीच किया है उसके ऊपर तो उनके ऊपर जुर्माने होने चाहिए। वो यहाँ से कमा कर हम लोगों का तेल निकाल कर वो अपने बैरून मुल्क के जुर्माने अदा करते हैं।
अब सीनी असम्बली के बाद बात करते हैं इस रूसुल बलाद शहर कायद की। ये रोशनियों का शहर था। तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर इस शहर की बेहतरी का सिर्फ दावा करती हैं, कहती हैं, तजावीज़ सामने लाती हैं। आखिरकार वजह क्या है? इस शहर में मुनसिफाना शफाफ बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो पा रहे? इसके पस पर्दा क्या अवामिल हो सकते हैं आपकी नज़र में? मुनसिफाना और शफाफ अगर बल्दियाती इंतखाबात ना होते तो MQM कभी भी नहीं जीतती इस शहर में। यह गलत बात है। अपने मामलात से जान छुड़ाने के लिए यह कहना, इस ये कानून जो बल्दियात का नाफिज हुआ है, इसको नाफिज किसने किया? उसके शरीके जुर्म ये सब लोग हैं। इनका गवर्नर था मौजूद, उस गवर्नर के दस्तखत मौजूद हैं, इनके फारूक सत्तार साहब उस मौके पर मौजूद थे, साइनिंग हुई थी। कौन लोग क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को? पीपल्स पार्टी भी अगर जुर्मदार है तो ये लोग भी जुर्मदार हैं। उस वक्त तो अपने मकासद के उसूल के लिए आप सारे मामलात कितने आपके वजारतें भी रहे, सब कुछ रहे, आपने इस शहर के लिए किया क्या है? यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ सुकम, कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन उनका तो ये पूरे टर्म में मेयर कराची का ये कहना रहा है और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे, तो मैं काम कहाँ से करूँ, किस तरह? भाई बात ये है कि आपके यूनियन काउंसिल के इख्तियारात तो आपके पास थे। यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए महाना आप दिया करते थे, उनके तहत आप की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सफाई करवाएं, आप कचरा उठवाएं, आप वहां पर चूना फिरवाएं? नहीं, जो रकम सूबाई हुकूमत देती थी वो तो इनकी तनख्वाहों की मद में चले जाते थे ना। वो ये कह रहे हैं कि जो इस मद में सफाई, ये कोई जो ना एक्सक्यूज नहीं है इन्हीं का। बंदा जब आता है मैदान में जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल है, और जब वो शोर मचाता है कि मैं करूँगा सफाई, ये होगा, उसको एक दिन वो बना देते हैं एडवाइज़र टाइप की चीज़। जब वो काम शुरू करता है, उसने नॉर्थ नाजावत के इलाके में सफाई करवाई, तो उसके बाद रात ही रात उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। इसका मकसद है कि इसी निज़ाम के तहत वो इनके एक नामजद नुमाइंदे की हैसियत से काम करना शुरू कर रहा था और उससे लोग गए थे, तो ये कैसे नहीं कर सकते थे? इन्होंने इन चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं दी, सिर्फ इसको एक सियासी स्टंट बनाकर वो किया। बल्कि इस दौरान अगर आप देखें तो सूरत हाल ये कि ये जितना भी ये गुजर नाले से और औरंगी नाले से जो आया है, ये क्या हुआ? यहाँ तकरीबन 30,000 एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट की गई है, 30,000 मकानात तो ना बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये जो तजावजात हैं इसका घराना शुरू कर दिया गया है। कहाँ कहाँ बताएं मुझे एक, ये तमाम जो है कि एम्प्रेस मार्केट को साफ कर दिया गया है और दीगर जो एम्प्रेस मार्केट जो है वो एक अलग चैप्टर है, उसका उस तजावजात से कोई ताल्लुक नहीं। लाइट हाउस पर जितनी थी तजावजात उसको सब वो भी आपका स्टॉर्म ड्रेन वाटर का वो सिलसिला था, और इसी तरीके से गार्डन के साथ भी ये था। लेकिन जो असल तजावजात इस वक्त भी जारी हैं वो कौन कर रहा है? इसी शहर के रहने वाले जो ना पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ये लोग जो ना कब्जे करवा रहे हैं। नहीं, यकीनन अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी पर अमल दरामद तो इनका एक जिम्मेदारी होती है, बहैसियत सियासी जमात भी, एक बहैसियत शहरी भी, इनको अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मुस्तकबिल मुझे उनका नज़र नहीं आता। जिस तरीके से वो खुदकुश हमले कर रहे हैं, अपनी ही सियासी मौत खरीद रहे हैं, वो क्या करेंगे? मुझे तो नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि कराची में एक वो ही नहीं, आप सरकारी मुलाज़मीन की कॉलोनियाँ देख लें, सरकारी मुलाज़मीन की कॉलोनियों में इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्वार्टर हो, चाहे क्लिटन क्वार्टर हो, चाहे मार्टन क्वार्टर हो, जहांगीर क्वार्टर्स हो, ये क्या है? कहीं ऐसा हुआ है कि सरकारी क्वार्टरों में जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बावजूद भी ना छोड़ें? इस तरीके से तो सदर और वज़ीर आज़म को भी नहीं छोड़ना चाहिए, रिटायर हो गए।
लेकिन वो ईवान सदर और वज़ीर आज़म पर काबिज़ हो जाएँ कि भाई जी हमारी तो अब हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है, आप उन तमाम मुलाजमीन की तमाम महकमों की चाहे वो कस्टम का हो सिंध गवर्नमेंट का हो हर एक के अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं वहाँ पर भी उन्होंने प्लाट्स लिए हुए हैं और इन सरकारी ये जगह जो हैं इनको इनक्रोचमेंट को ख़त्म करके यहाँ तो हाल ये है कि खुद अपने ज़ाती मकान रह रहे हैं और वो मकान सरकारी मकान किराए पर दिए हुए हैं उन्होंने इनक्रोचमेंट भी करके। यकीनन जुल्म है ये। कोरोना की सूरत हाल पर बड़ी जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया था लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि इसमें एक मरतबा फिर जो है कि इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान एक मरतबा फिर क्या स्मार्ट लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है, आप क्या कहते हैं? स्मार्ट लॉकडाउन तो अब वो ज़रूरत बन गया, उसे अब कोई भी वो नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। हम ये तो हमारे लोग जो हैं वो अगर इतने बड़े पैमाने पर इसका शिकार नहीं हुए तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन तमाम सूरत हाल की वजह से हमारी कुव्वत मज़ाहमत जो है वो काम कर रही है, वरना हाल जो गंदगी का है यहाँ पर किसी इंग्लैंड में रहने वालों को लाकर दो दिन सिर्फ कुछ खाने को भी उसको बहुत अच्छा दें सब कुछ लेकिन उसको जो है इन मच्छरों में इन ताफुन ज़्यादा माहौल में उनको रखें तो दूसरे दिन जो उसकी हालत गैर हो जाएगी। हम इस शहर में पले बढ़े हैं, हमें पता है कि शहर कितना साफ़ सुथरा हुआ करता था। यहाँ रात को 3 बजे जो है ना खाकरूब सड़कों पर आ जाते थे, सफाई होती थी, सुथराई होती थी। आपको सुबह जिस वक्त 8 बजे सायरन बजता था ज़िंदगी के मामलात चलने का तो उस वक्त बिल्कुल स्मूथ आपको सड़क के ऊपर एक तिनका नज़र नहीं आता था। आखिर वो लोग थे ना, काम करने वाले थे। बुखारी साहब, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो है कि अभी वजूद में आ गई है और अपोजिशन की जितनी भी हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की जमातें हैं सर चौड़ कर बैठ गई हैं, क्या ये किस हद तक कामयाबी से हमकिनार हो सकती हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे? देखें भाई, बात यह है कि PDM हो, ARD हो, MRD हो, PDF हो, ये वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बनते बिगड़ते रहते हैं। जब इख्तदार मिल जाता है उसके बाद वो तमाम उसूलों को फरामोश कर देते हैं, फिर अवाम को यकजा करने के लिए अवामी हमायत हासिल करने के लिए इस किस्म के इत्तेहाद जो है ना वजूद में आते हैं, तहरीकें वजूद में आती हैं। असल मसला यह है कि लोगों को तरबियत की ज़रूरत है, लोगों को एक वाज़े विज़न की ज़रूरत है। जब कोई तब्दीली का विज़न जो है वो लोगों के काम नहीं आया तो अब लाजिम बात है कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। जब अटेंशन डाइवर्ट होगी तो सूरत हाल को अच्छी नहीं है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है इस तरीके से पनप सके। आप वो माहौल पैदा करें पीसफुल हो जिसमें लोगों को रोज़गार का तहफ़ मिले। मौजूदा हुकूमत जो है इन्होंने कहा था हम 50 लाख जो है ना नौकरियाँ देंगे और फलां करेंगे और इतने मकानात देंगे, वो तो बीच में रह गए। लेकिन इनके आने के बाद सिर्फ मीडिया से 10 से 12 हज़ार अफराद जो है ना फारिग हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आइंदा के लिए अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त।